स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल में आप देख लें कि हमने सेकंड्स में 50 एंटर किया है, मिनट्स में भी 50 एंटर किया और आवर्स में 1 एंटर किया है। इस तरह से ये सेकंड टाइम है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, इसमें भी 50, 50 और 1 आवर जो हमने ऐड किया। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला स्टेप था कि एस के अंदर हमने दोनों सेकंड्स को, दोनों टाइम्स के जो सेकंड्स थे S1 और S2, इन दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। इसमें ये 100 के इक्वल जो वैल्यू आ गई। फिर मिनट्स को, मिनट्स के अंदर जो वो ऐड करना है, तो मिनट्स प्लस सेकंड टाइम मिनट्स प्लस इसमें क्या किया है कि जो हमने सेकंड्स यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, अगर इन सेकंड्स में अगर ये सेकंड्स जो वो ज़्यादा बन जाते हैं, यानी 60 से ज़्यादा बन जाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, वो 60 सेकंड्स एक्चुअली मिनट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये वही स्टेप परफॉर्म किया गया कि एस डिवाइडेड बाई 60, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर मिनट्स के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे उतने मिनट्स बना के, और बकिया जो सेकंड्स रह जाएंगे वो ये नीचे हमने स्टेप जो परफॉर्म किया है जिसके अंदर हमने मॉडुलस ऑपरेटर लिया है, और जो 60 सेकंड्स जो 60 सेकंड्स हैं वो मिनट्स के अंदर ऐड होने के बाद जो सेकंड्स बच जाएंगे वो ये रिमाइंडर से जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए तो देखें, M1 में 50 है, M2 के अंदर 50 और S के अंदर 100 है, 100 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 50 प्लस 50 प्लस ये अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, तो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर बाकी सेकंड्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये 1 ऐड होने के बाद टोटल हमारे पास 101 मिनट्स आ गए हैं। उन मिनट्स के बाद ये हमारे पास आवर्स हैं, आवर्स को जो आवर्स के अंदर ऐड किया, और वही स्टेप जो हमने सेकंड्स के लिए किया था वही हम मिनट्स के लिए करेंगे कि जो मिनट्स हैं वो अगर 60 से ज़्यादा हैं तो 60 पे जो वो डिवाइड कर लिया जाए और जो जवाब बचता है वो इसके अंदर जो वो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है, तो वो आवर्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और बकिया जो रिमेनिंग मिनट्स रह जाएंगे वो यहाँ पर कैलकुलेट करके एम के अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से एट द एंड जो ये यहाँ पर आपको कैलकुलेशन मिलनी है वो आपको इस तरह से मिलनी है कि 3 आवर्स हैं, 41 मिनट्स हैं और 40 सेकंड्स हैं। तो इस तरह से ये आपको टोटल जो हो ये टाइम जो हो कैलकुलेट करके यहाँ पर ये प्रोग्राम शो करवाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट रेट जो वो कैलकुलेट करने का है। इसमें वो कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपने एंटर करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो कैलकुलेट करना है एंड इनपुट करना है, और टोटल टाइम इनपुट करना है। ये फार्मूला उसने दिया हुआ जी, पी मल्टीप्लाई है दोनों के दरमियान में 1 + R/100, और यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर लिया है टी, और इसका जो जवाब आएगा उस जवाब में से पी को माइनस कर दिया गया। तो इसमें ये देखें, ये हमने वेरिएबल्स जो वो डिक्लेयर कर लिए हैं, ये हमने डबल जो वो डेटा टाइप जो यूज़ किया है जो कि बेसिकली फ्लोट से हायर डेटा टाइप है, और पॉइंट के अंदर जो आपकी वैल्यू स्टोर करती हैं, जो इंट है उसकी जो हायर डेटा टाइप है उसको लॉन्ग कहते हैं, जो कि इंटीजर से ज़्यादा बड़ी रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करती है। तो इसमें जो हम वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं वो पॉइंट के अंदर भी जो वो इनपुट कर सकते हैं। देखें, सी इन में जो हमने पर्सनल अमाउंट एंटर करनी है, फिर रेट, और फिर उसके बाद टाइम कि कितने टाइम के लिए हम ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ही देखें कि ये उसने पावर का फंक्शन जो वो यूज़ किया है, अगर आप पावर का फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपको math.h जो हेडर फाइल है वो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि आप इसके अलावा जो दूसरा जो फार्मूला है बग़ैर पावर के फंक्शन के वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये फार्मूला है, अगर आप पावर का फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप पहले जो इसकी यहाँ पर आप पैरेंथेसिस जो लगा लें ताकि जो हमारा रिज़ल्ट आए इसका जो आर को 100 पे डिवाइड करके 1 के अंदर जो एडिशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसकी पहले पावर कैलकुलेट की जाएगी, और फिर उस पावर को जो वो कैलकुलेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो पी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीके का ये है कि आप पावर का फंक्शन कैलकुलेट कर लें यहाँ पर,
कि पहले पावर का फंक्शन कैलकुलेट हो, यानी पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो r डिवाइड बाई 100, जो जवाब आएगा उसको 1 के अंदर ऐड किया जाएगा, और फिर ये उसकी पावर है, जो रिजल्ट आएगा उसकी ये पावर कैलकुलेट की जाएगी, और कैलकुलेट करने के बाद फिर ये p के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों जो फार्मूलाज हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें से ये p को माइनस कर दिया गया। यहाँ पर ये जो p है ये इसकी पावर पावर के साथ नहीं है, बल्कि ये इस पावर के बाद जो ये जो इतना जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद जो जवाब आएगा उसको p में से जो माइनस करना है, फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पर रिजल्ट शो करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में समझाया भी है कि आप एक नंबर जो है एंटर करेंगे, वो नंबर एंटर करने के बाद जो उसका करेक्टर है उसको करेक्टर के अंदर जो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी ये यहाँ पर बेसिकली टाइप कास्टिंग जो वो परफॉर्म की गई है कि उस नंबर की टाइप कास्टिंग जो वो कर दी जाए, या तो करेक्टर सिंपल लिख के आप नंबर के गिर ब्रैकेट लगा दें, या आप करेक्टर के गिर ब्रैकेट लगा दें और नंबर आप ऐसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मैंने यहाँ पर 65 लिखा था, तो 65 के साथ जो टाइप कास्टिंग कर दी थी तो उसने 65 के अगेंस्ट 65 ASCII कोड के अगेंस्ट जो करेक्टर था वो करेक्टर उसने डिस्प्ले कर दिया था। फिर उसके बाद ये एक पैटर्न उसने दिया हुआ है कि इस पैटर्न के अंदर ये कुछ नंबर्स हैं और इनके स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक नई हेडर फाइल जो है इंक्लूड की गई है iomanip.h। बेसिकली iomanip.h जो है वो उसके अंदर सेट विड्थ का फंक्शन है, ये विड्थ जो वो सेट की गई है कि 10 करेक्टर्स की स्पेस जो वो छोड़ दी जाए, और फिर यहाँ पर आगे चल के जो वो स्क्वेयर कैलकुलेट कर दीजिए, फिर 10 विड्थ 10 करेक्टर्स की स्पेस छोड़ दीजिए और आगे जो क्यूब है उसको कैलकुलेट कर दिया जाए। तो ये सिंपल जो फॉर्मेटिंग का एक क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक नहीं थी। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं, और मार्क्स इनपुट करने के बाद उनका टोटल उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यहाँ क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हुआ है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर उसने एवरेज कैलकुलेट की हुई है। तो ये देखें S1, S2, S3, S4, S5 ये जो वो नंबर्स जो वो उसने इंटीजर टाइप की जो वो वैल्यूज ले लिए हैं कि आपने इनपुट करनी है। इनपुट करने के बाद फ्लोट एवरेज, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लोट परसेंटेज का वेरिएबल ले लें। पहले जो वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो वो इनपुट किए हैं, फिर उसके बाद टोटल के अंदर जो उनको ऐड कर दिया है। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल है या जो सम होता है, सम को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ आइटम्स पर। तो यहाँ पर ये देखें, ये टाइप कास्टिंग परफॉर्म की गई है, ये जो टोटल था वो इंटीजर वेरिएबल था, तो इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे टाइप कास्टिंग करती कि ये टोटल की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फ्लोट वैल्यू के अंदर, यानी पॉइंट उसके अंदर जो वो ऐड कर दिया जाएगा, और फिर इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो एवरेज के अंदर शो करवा दिया जाएगा। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो टोटल के नाम का जो आपने वेरिएबल लिया, यहाँ पर आप OBT ओटीन के नाम का वेरिएबल ले लें और साथ में टोटल का वेरिएबल ले लें। आपको यहाँ पर एक और इनपुट परफॉर्म करनी पड़ेगी, एंटर द टोटल मार्क्स, यानी टोटल जो सब्जेक्ट के कितने मार्क्स थे। या अगर आप नहीं एंटर करना चाहते तो आप यहाँ पर फिर फार्मूले के अंदर इसको फिक्स कर सकते हैं। आपको पता है कि इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय टोटल। फॉर एग्जांपल अगर 500 मार्क्स हैं और मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से, तो ये टोटल। अब अगर आप इसी प्रोग्राम को अगर आप चाहते हैं, कोई वेरिएबल को चेंज नहीं करना चाहते, तो आप इस फॉर्मूले थ्रू परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये टोटल मार्क्स हैं, यानी एक्चुअली ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं, इसको डिवाइड कर दिया कि कितने में से जो ये टोटल मार्क्स उसने लिए हैं। 550 मैंने कह दिया कि ये टोटल थे, और जो ऑब्टेन मार्क्स का टोटल है वो टोटल के अंदर मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो यहाँ पर
जो हमारे पास टोटल है इसकी टाइप कास्टिंग आप करेंगे, फ्लोट लिख देंगे यहाँ पर आप, तो ये इसकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी और जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा और फिर सी आउट में जो टोटल मार्क्स और परसेंटेज हो आप यहाँ पर शो करवा दें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, इसके साथ ही जो इनपुट और आउटपुट की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसकी जो अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर बाकी जो दो चैप्टर्स रह गए हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग है और लूप का चैप्टर है वो हम बाद में जो हो कंप्लीट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।